इस साल एप्पल ने अपने दो महंगे आईफोन्स के साथ एक सस्ता आईफोन भी पेश किया है। हालांकि ये इतना भी सस्ता नहीं कि इसे हर कोई खरीद सके, पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 लाख और 1,10,000 के मुकाबले 76,000 रुपये आपको थोड़े कम ही लगेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन XR की, जो कि 26 अक्टूबर से भारत में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। और उससे पहले ही आज इस वीडियो में मैं आपको आईफोन XR का रिव्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो आईफोन XR पूरी तरह से आईफोन XS और XS Max की तरह दिखता है। यानी इसमें भी आपको मेटल फ्रेम मिल जाता है जो कि राउंड है। इसमें भी 3.5mm ऑडियो स्लॉट नहीं दिया गया, इसमें भी नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं है और इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में भी आपको नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। इस फ़ोन में जो फ़र्क है वो स्क्रीन साइज़ का है। इसमें आपको मिलता है 6.1 इंच का 1792x828 रेजोल्यूशन। इसका डिस्प्ले एकदम ब्राइट और वाइब्रेंट है और इसके स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से आप इसमें अपने म्यूजिक वीडियोज़ भी अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे। पर यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें OLED पैनल का इस्तेमाल नहीं किया, कंपनी ने इसमें IPS LCD पैनल दिया है। साथ ही साथ आपको जो मेजर फर्क तब दिखेगा जब आप इस फोन को फ्लिप करके बैक साइड से देखेंगे। हालांकि इसके बैक पर कंपनी ने ग्लास का इस्तेमाल किया है और कई इंटरेस्टिंग कलर्स साथ आता है ये फ़ोन, लेकिन इसके बैक साइड पर कंपनी ने सिर्फ सिंगल रियर कैमरा दिया है, जिस वजह से इसकी लुक्स थोड़ी अलग दिखती है। अब जब हमने कैमरा एस्पेक्ट को टच कर ही दिया है तो मैं अब आपको कैमरा के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि भले ही कंपनी ने इसमें सिंगल रियर कैमरा दिया हो, लेकिन ये सेंसर वही है जो आपने आईफोन XS और XS Max के प्राइमरी कैमरा में देखा है। यानी इसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला शूटर मिल जाता है। साथ साथ इसमें भी स्मार्ट HDR फीचर, 4K वीडियोस एट 60fps और स्लो मोशन वीडियोस एट 240fps शूट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। पर एनीवे, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, अब सीधा सीधा इसकी कैमरा क्वालिटी पर नज़र डाल लेते हैं। नो डाउट आप इस फोन से बहुत ही अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल रियर कैमरा होने के बावजूद भी आप इसमें बेहतरीन बोके इफेक्ट वाली पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे और आपको इसके कैमरा से किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसके फ्रंट में भी आपको आईफोन XS वाला 7 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है, जो कि एक बार फिर से अच्छी फोटोज़ क्लिक करने की क्षमता रखता है। और इसमें भी आप पोर्ट्रेट मोड वाली फ़ोटोज़ क्लिक कर पाएंगे और इसमें भी आपको डेप्थ कंट्रोल फीचर दिया है। अब इसके अच्छे बोके इफेक्ट वाली पिक्चर की वजह है इसका नया A12 बायोनिक चिपसेट, जिसमें कंपनी ने नई इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई है, जिस वजह से ये कैमरा के सेंसर से ज़्यादा डेटा कैप्चर कर पाता है और आपको बेटर बोके इफेक्ट वाली पिक्चर मुहैया करवाने की क्षमता रखता है। साथ साथ ये फ़ोन आपको परफॉर्मेंस के मामले में भी बिल्कुल निराश नहीं करेगा, एकदम स्मूथ तो चलता ही है और आप इसमें हैवी ग्राफिक गेम भी आसानी से खेल पाएंगे। वहीं बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो हालांकि रैम आईफोन में बहुत मैटर नहीं करती, तो फिर भी आपको बता दूं कि इसमें 3GB की रैम मिल जाती है और इसके 3 वेरियंट्स पेश किए गए हैं, यानी 64GB, 128GB और 256GB, जिनकी मेमोरी को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ बैटरी, भले ही ऑन पेपर्स ये आपको एंड्रॉयड फोन्स के मुकाबले थोड़ी कम लगेगी, लेकिन यूसेज के दौरान आप इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। मैंने इस फोन को कई दिन तक यूज़ किया और इस यूसेज के दौरान मैंने इसमें एप्पल वॉच 3 और ब्लूटूथ हेडफोन्स को हमेशा कनेक्ट रखा था और मुझे इससे लगभग दिन भर का बैटरी बैकअप हमेशा ही मिला भी था। लेकिन यहाँ पर नुकसान ये है कि कंपनी आपको इस फ़ोन के बॉक्स के साथ फास्ट चार्जर मुहैया नहीं करवा रही, जिस वजह से जब आप इसको चार्ज करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। iPhone XR में आपको मिल जाएगा कंपनी का नया iOS 12, जो कि एग्जैक्टली सेम है और इस पर बात करने के लिए कुछ खास हमारे पास है नहीं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका फेशियल अनलॉक, जो कि एक बार फिर से बहुत ही एक्यूरेट और सिक्योर है और कम रोशनी में भी एकदम क्विकली आपके चेहरे को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। अब अंत में बजट देखा जाए तो मेरे हिसाब से 76,000 रुपये में आईफोन XR बिल्कुल भी खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि लगभग 15,000 रुपये बचा के आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आपको एप्पल का फ़ोन लेना है तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ पैसे मिला के आप एप्पल का ही पिछले साल लॉन्च हुआ आईफोन X कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको OLED पैनल और डुअल रियर कैमराज मिल जाते हैं। वहीं इस फ़ोन को खरीदने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है इसका नया A12 बायोनिक चिपसेट।
पर एनीवे ये तो थी मेरी राय इस फोन को लेके। आप क्या सोचते हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।